तो देखिए मतलब बहुत से लोगों को ये रहता है कि फॉरेन में कि एप्पल का प्रोडक्ट जो भी हो गया सस्ता मिलता है, तो यहाँ पे सस्ता मिलता है कि नहीं मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा, आईफोन से लेके आईपैड, आईवॉच, मैकबुक सब कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे सस्ता मिलता है कि नहीं। तो आप लोग आइएगा तो मीडिया वर्ल्ड करके इटली के हर एक शहर में रहता है जहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले एयरपोर्ट से शुरुआत करता हूँ। तो देख सकते हैं तीनों एयरपोर्ट्स है 119, 199, 279, तो इसको आप 80 से मल्टीप्लाई करके आप लोग पता कर सकते हो कौन कितने का मिल रहा है। तो मतलब बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि, तो मैं पूरा बताने नहीं जा रहा, आप लोग प्रोडक्ट देख के इसका प्राइस देख लीजिए, आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मतलब एप्पल का प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता मिलता है। तो आप लोग देखिए इतना इंडिया से सस्ता है कि नहीं, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कभी ख़रीदा नहीं, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि वहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा नहीं। और जैसे इनका एप्पल का जो वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके आप इटली का कंट्री डाल के आप चेक कर सकते हो, आईफोन्स वगैरह सब ए टू जेड, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो बहुत बहुत रहेगा, तो 5-10 हज़ार का अलग फ़र्क आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी सस्ता हो सकता है, कभी महंगा हो सकता है, बस ज़्यादा आपको महंगा और ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट मॉडल का आईफोन वगैरह है तो कितने जीबी का कितने का नहीं, और शायद आईफोन 12 है मेरे ख्याल से, ये 749 का है, और ये 64 जीबी का 689 का है। तो ये सब प्राइस आप लोग देख लीजिए। और हाँ एक बात और है कि मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पर आने के बाद लोन पे EMI पे मोबाइल ले सकते हैं, तो देखिए ऐसे केसेस में ये सबको नहीं मिलता है। अगर आपको EMI पे चाहिए तो किसी भी प्रोडक्ट का दाम जो है ना वो 500 यूरो के नीचे होना चाहिए, तभी आप लोग जाके लोन पे EMI पे फ़ोन वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो, अगर आप स्टूडेंट होता हो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तब आप जाके ले सकते हो, कि कोई सा भी एप्पल का प्रोडक्ट लैपटॉप वगैरह आप EMI पर ले सकते हो, एक पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं आईपैड वगैरह सब मिनी वगैरह, तो इन जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल जो मीडिया वर्ल्ड से ही लेते हैं, और आप अमेजॉन से भी कंपेयर कर सकते हो, amazon.it पे जाके पूरे प्रोडक्ट्स करके, तो आप आइएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने इंडिया से आप ख़रीद कर लेकर आओ, क्योंकि वो आपको बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर नहीं यहाँ पर आके यूरोप में खर्चे करने हैं तो यूरोप में भी खर्च कर सकते हैं हम लोग। तो बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखते चलिए। और मैकबुक वगैरह सब यहाँ पे है, अब पता नहीं महंगा है कि सस्ता है। अब देखिए ये 1500 यूरो, 1600 यूरो का एक तो मैकबुक आ रहा है, मैकबुक एयर 1200 यूरो, तो पता नहीं सस्ता है कि महंगा, ये भी GB के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सबसे महंगा मुझे मैकबुक का लगा जो कि प्रो 14 इंचेस का है, ये 2000 से ऊपर की यूरो का है। और ये भी देख सकते हैं M1 चिप का है, 1400 यूरो ऐसे कुछ है। और ये जो स्क्रीन जो है ये टीवी वाला जैसा जो है, ये भी आप लोगों को मतलब 1200 यूरो, 1300 यूरो, 1400-1500 यूरो में आपको ये टीवी वाला जो एप्पल का है वो मिल जाएगा। तो ये सब सोने के बाद ये सब जो मोबाइल का कवर ओवर लिफाफा उफाफा जो लगाते हैं हम लोग, तो ये भी मतलब एप्पल का आपको 45 यूरो, 40 यूरो, 46 यूरो, मतलब ओरिजिनल आईपैड वाला हर जगह में आपको मिल जाएगा। फिर आईपैड का कवर भी देख सकते हैं हम लोग, वो भी मतलब 89 यूरो, 90 यूरो, 85 यूरो से 75 यूरो के आसपास में मिल जाएगा। अडैप्टर देख लीजिए, सॉरी लैपटॉप में लगाने वाला, और ईयरफोन देख लीजिए आईपैड का जो पुराना वाला था 19 यूरो का। और आप लोगों को क्या, हाँ देख सकते हैं जो सी टाइप कनेक्टर रहता है हम लोग, वो देख सकते हैं 25 यूरो का, अडैप्टर 25 यूरो का। तो बस यही सब है, और किसी वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो के यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय बाय।